वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे एस्टिमेशन, जो भी बिल्डिंग एस्टिमेशन है उसके बारे में। गाइज, यहाँ पर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे इस वीडियो के, तो पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने पहले वीडियोज़ में जो भी बैक फिलिंग की क्वान्टिटी है, एक्सकवेशन की डिटेल्स है, वो हमने डिस्कस किए गाइज। यहाँ पर हमने ब्रिक मैसोनरी के बारे में भी डिस्कस किया है गाइज। आपने अगर पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आज का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे इनसाइड और आउटसाइड प्लास्टर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, स्किप मत करना वीडियोस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इनसाइड प्लास्टर के बारे में। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया है, ये हमारा सेक्शनल व्यू है गाइज। यहाँ पर सेक्शन में आपको ये विंडोज़ माइनस किए तो आपको ये पूरा वर्किंग है, आपको प्लास्टर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ब्रिक वाल है, ये भी, ये आपने माइनस किया डोर विंडोज़, तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे डिडक्शन करने को पड़ते हैं। ये तो हुआ हमारा इनसाइड प्लास्टर। आउटसाइड में भी सेम है प्लास्टर, आउटसाइड में भी आप प्लास्टर करेंगे, इनसाइड हुआ और ये हमारा आउटसाइड हुआ, इसकी क्वांटिटी हम इजी वे में निकाल सकते हो गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले पार्ट्स नहीं देखे एस्टिमेशन के ऊपर, प्लीज़ एक बार प्ले लिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। ये जो प्लान देख रहे हो आप, यहाँ पर जो प्लान है गाइस पूरा, इसका ये फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है गाइस, फ्लोर प्लान है उसका। ये प्लिन बीम की ड्राॅइंग है हमारी, यहाँ पर देख सकते हो आप, इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो भी एस्टिमेशन है गाइस, इसका जो भी क्वान्टिटी शेड्यूल है, जो भी मेजरमेंट सीट है, वो आज हम देखेंगे गाइस डिटेल में। उसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हमारे सीलिंग प्लास्टर से लेके फाउंडेशन, एक्सकैवेशन, उसमें ब्रिक मैसोनरी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, आज का एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइस। हर एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमारे एस्टिमेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनसाइड प्लास्टर में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हर एक रूम का जो भी डायमेंशन है वो लेना पड़ेगा और उसमें डिडक्शन करना पड़ेगा, जो कि बेडरूम हुआ हमारा, उसके बाद जो भी वरंडा हुआ, ड्राइंग रूम हुआ, हॉल हुआ, किचन हुआ, वो अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी क्वान्टिटी होगी गाइज स्क्वायर मीटर में। ओके, प्लास्टर है, उसकी थिकनेस कम होगी, मैंने कहा था 15 सेंटीमीटर से कम थिकनेस है, तो आपको उसकी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में लेनी है। अगर 15 सेंटीमीटर से क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो उसका जो भी डायमेंशन है वो आपको यूनिट्स है, वो आपको क्यूबिक मीटर में लेना पड़ेगा गाइस। तो हम प्लास्टर में जनरल यूनिट लेते हैं क्यूबिक मीटर में। अगर आपका ब्रिक वर्क 6 इंचेस का आप यूज़ करते हो तो वो भी आपका स्क्वायर मीटर में या ब्रास में वर्किंग आ जाएगा गाइस, ब्रिक के लिए भी। तो फ्रेंड्स, इनसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जहाँ पर आप किचन, उसके बाद वरंडा, ड्राइंग रूम, बाथरूम, पैसेज, वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप किचन और डाइनिंग में देखा जाए तो आपको पहले तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल लेनी है, टू, उसके बाद लेंथ, ब्रेड, हाइट, उसके बाद आपको क्वान्टिटी मिल जाएगी इन स्क्वायर मीटर में। उसकी जो हाइट होती है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो एल इंटू बी इंटू एच, हाइट ली हमने 3 मीटर। ओके, तो उसका जो भी डिडक्शन है, डोर का डिडक्शन होगा आपको, डोर की हाइट होती है नॉर्मली 2.1 मीटर से 1 फीट के आसपास, और विंडोज़ आपने जो बनाए हो आपको यहाँ पर विंडोज़ का जो भी हाइट है वो आपको लेना पड़ेगा। आपने अगर वॉल में से डोर और विंडोज़ माइनस किए तो आपको पूरी क्वान्टिटी यहाँ पर मिल जाएगी गाइज, प्लस माइनस करके। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आपने पूरी क्वांटिटी निकाली, एक एक वॉल में से एक एक विंडोज़ और माइनस नहीं किए, विंडोज़ और डोर, यहाँ पर हमने पूरा जो भी हमारा किचन, वरंडा, ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, बाथरूम,
उसका जो भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट किया है यहाँ पर, जो भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इनसाइड प्लास्टर के बारे में, इनसाइड प्लास्टर सो रहे हमारा इनसाइड के लिए प्लास्टर जो भी है, उसके हमने जो भी क्वांटिटी ली है वहाँ पर हमने डिडक्शन के लिए माइनस साइन दिया है गाइज। यहाँ पर जो भी डिडक्शन है वहाँ पर माइनस साइन किया है, तो एक्चुअल में आपकी टोटल क्वांटिटी आती है गाइज 208 स्क्वायर मीटर में। ओके तो 208 स्क्वायर मीटर में आती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए कि डिडक्शन करना कौन सा करना पड़ेगा, और टोटल क्वांटिटी आपको आ जाएगी वो आपको। तो इनसाइड प्लास्टर में आपको ये सारी क्वांटिटी मिल जाएगी गाइस, बस आपको डायमेंशन उसके डालने हैं वो, और वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस पूरी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में आपको बस वहाँ पर डूअर, एमएस डूअर, वेंटिलेशन, उसके बाद जो भी डूअर शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल है आपने, उसके नंबर्स और उसकी जो भी लेंथ हाइट और ब्रिथ, लेंथ ब्रिथ हाइट सॉरी LBH, ओके वो डालने के बाद आपको सब रेडी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वॉल के रिलेटेड। ये तो हुआ इंटरनल प्लास्टर के लिए। आउटर प्लास्टर के लिए आपको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको ये आउटर प्लास्टर है, आउटर आउटसाइड प्लास्टर है हमारा। तो फ्रेंड्स ये हमारी आउटसाइड प्लास्टर के लिए क्वांटिटी है। आउटसाइड प्लास्टर जो भी वर्किंग होता है इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाली क्वांटिटी पूरी। इसमें जो भी लिविंग, डाइनिंग, किचन, उसके बाद वरांडा, सीलिंग, सीलिंग में भी आपको करना पड़ेगा ना। ओके सीलिंग के लिए भी आपको प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो कम रहती है गाइस। यहाँ पर आपको जो भी सीलिंग के लिए वहाँ पर आपको जो भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद डिडक्शन पैसेज में आपको जो भी प्लास्टर वर्क है उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को आखिरी तक देखना गाइज, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ सम रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि हमारे बिल्डिंग के बारे में इम्पोर्टेंट होगी गाइज, जो कि साइट इंजीनियर के लिए आने ही चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हमारे डेली वर्किंग में। तो हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे हमारे डूअर क्वांटिटी और उसके जो भी रेट्स है उसके एनालिसिस करेंगे गाइज, उसका जो भी अमाउंट है वो आप हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे गाइज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको एंडिंग तक देखना गाइज। एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंब रूल्स डिस्कस करूँगा जो कि डूअर क्वांटिटी और रेट के बारे में होगी गाइज। तो वीडियो को सपोर्ट करो गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। थैंक यू। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी हमारा, अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर किचन से या फिर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर ड्राइंग रूम से, ये ड्राइंग रूम हमारा अगला फैक्ट्री, उसके बाद ये हमारा जो भी किचन, उसके बाद वरंडा है। यहाँ पर आपने ड्राइंग रूम में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ली, उसके बाद सीलिंग ली, उसके बाद आपको डिडक्शन करना है। ओके ये वाला यहाँ तक, तो आपको ये माइनस चीज़ें यहाँ पर आपको माइनस करनी पड़ेगी, जो क्वांटिटी आई है यहाँ से, तो पूरी क्वांटिटी आपको नीचे मिल जाएगी। एक्सेल शीट है, अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी देना, आपको एक्सेल शीट में आपको मेल कर दूंगा गाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए एक्सेल शीट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाथरूम में भी आपको ये पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सब बाथरूम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद सीलिंग का जो भी एरिया है यहाँ पर LB, और सीलिंग में आपकी हाइट नहीं होगी गाइज, यहाँ पर कौन सी भी सीलिंग में आपकी हाइट कहाँ पर दिखाई देगी, स्लैब के जो भी फॉल सीलिंग के होते हैं यहाँ पर आपको हाइट नहीं मिलेगी, तो आपको बस एरिया मिल जाएगा स्क्वायर मीटर में। उसके बाद जो भी शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा, सेम आपको उस चीज़ ये भी पैसेज में भी करनी पड़ेगी, पैसेज की शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल, उसके बाद आप पैसेज का जो भी सीलिंग एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको ये पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिडक्शन करने के बाद।
तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है डेली वर्किंग में। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की। आप हम एक G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइस, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए आना चाहिए गाइस। इंडिपेंडेंटली आप डिज़ाइन कर सकते हो, मेरे 100% गारंटी है गाइस। ओके, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे जो कि RCC डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग के ऊपर, फाउंडेशन डिटेल, फुटिंग डिटेल, ब्रिक वर्क, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, एस्टिमेशन कैसे निकालते हो, उसके बाद उसका क्वांटिटी सर्वे आप कैसे करेंगे, मेजरमेंट शीट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है, इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस दिखाए गए। एक साइट इंजीनियर के रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना। हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी गाइज, यहाँ पर पेंटिंग वर्क है, वहाँ पर उसके जो भी मटेरियल्स है उसके रेट्स एनालिसिस हमने पहले वीडियोस में किए है गाइज। ओके, उसके जो भी रेट एनालिसिस है गाइज, वो उसके ऊपर लेबर के रेट है गाइज, यहाँ पर लेबर का जो भी पेमेंट है उसको कैसे देना है, डेली पेमेंट है, वीकली पेमेंट है या फिर मंथली पेमेंट है, तो लेबर रेट्स हमने हर एक सिविल वर्क के लिए डिफाइन किए हैं गाइज। सिविल वर्क के लिए आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएगी गाइज। उसके बाद जो भी हमारे मटेरियल्स है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स, जो भी हमारे सैंड रेशियो, मिक्सिंग प्रोपोर्शन है, उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइज, तो ये सारे वीडियोस आप देख लेना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है गाइज, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। तो मैंने कहा है गाइज, G+2 स्टोरी अपने आप खुद का घर अपने आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने ऑटोकैड क्लिक के ऊपर प्लानिंग भी बना सकते हो आप, अपने अगर हमारे ऑटोकैड की सीरीज देख ली तो आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो। एक साइट इंजीनियर को अपना घर तो डिज़ाइन करना आना ही चाहिए गाइज, प्लानिंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्विंग, हर एक ड्राइंग को आपको रीड करना आना चाहिए, उसके बाद हर एक फीस, हर एक मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेबर रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक्सकेवेशन से लेकर आपको फाउंडेशन, टेरेस स्लैब तक, फिनिशिंग वर्क के बारे में आपको सब कुछ, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, आउटसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइज, जो कि आखिरी का पॉइंट है हमारा। यहाँ पर आपको जो भी हमारी फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, बैक साइड, लेफ्ट साइड और पैराफिट वॉल, इसका टोटल क्वांटिटी आपको निकालना होता है गाइस। जो भी आपकी अगर बिल्डिंग का बाहर का साइड है तो आपको पूरा क्वांटिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो इजी वे में आप निकल सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपने पहले भी इनसाइड प्लास्टर में कैलकुलेट की थी जिसका क्वांटिटी आया था 252 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये भी आप आउटसाइड प्लास्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस डिडक्शन करना है विंडोज़ डूअर और जो भी हमारा डूअर्स और लिंटल को आपको डिडक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा आउटसाइड प्लास्टर की क्वांटिटी। आउटसाइड प्लास्टर में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, आपको आउटसाइड प्लास्टर में एक पैरापेट वॉल ऐड करनी पड़ती है गाइज वहाँ पर, जिसकी हाइट होती है 3 फीट के आसपास, यानी कि आपकी 1.15 मीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हाइट होगी गाइज, अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो, यहाँ पर डिडक्शन में विंडोज़ W1 W3, इसका जो भी डायमेंशन विंडोज शेड्यूल होगा वो आपको वो ड्राइंग्स में मिल जाएगा गाइस। इसकी क्वांटिटी आप स्क्वायर मीटर में ही मिलेगी प्लास्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर को आने चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक वर्किंग में। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। और ऐसे ही
इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले टाइम में आने वाले गए, जो कि हर एक चीज़ के ऊपर हो गए, हर एक साइट वीडियो लाइव हो गए गाइस, लाइव साइट की वीडियोस। तो ये थी हमारी जो भी क्वांटिटी थी बिल्डिंग के बारे में। अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियोस अच्छे लगा हो, इसकी क्वांटिटी शेड्यूल क्वांटिटी इस्टीमेट हमने निकाला था गाइस, क्वांटिटी निकाली पूरी इंटरनल आउटर प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर के लिए, ब्रिक वर्क के लिए, एक्सकेवेशन के लिए, बैक फिलिंग के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना गाइज। आप इंडिपेंडेंटली जी प्लस टू स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो आपने हमारे वीडियोस देखे तो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर, टोटल 1000+ वीडियो है गाइस। आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइज। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गए, जिसका कोई कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगी और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइज। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो, या फिर जीरोधा, या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइज। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस लिंक से आपने परचेज, आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक्स बाय करना हो, तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए गए, जो कि आप USC गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंडबुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइज। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइज। यहाँ पर आर आगर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइज, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। एक्चुअल में है हमारी एक्सेल सीट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हर एक क्वांटिटी आपको इजी वे में निकाल के मिल जाएगी गाइज। अगर इसका प्लान देखा जाए तो ये हमारा पूरा प्लान है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो किचन, WC, ड्राइंग, पैसेज, और इसका एलिवेशन है गाइज। यहाँ पर आप हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। ये प्लिंथ बीम की ड्राइंग है गाइज, यहाँ पर हर एक L1 L2 जो भी स्लैब है, उसके बाद S1 S2 S3, उसके बाद ये हमारा प्लिन बीम और स्लैब की दोनों ड्राइंग आप इजी वे में देख सकते हो। ये हमारा फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला एलिवेशन है गाइस।
उसके बाद ये हमारी रूम की साइज से यहाँ पर आप इजी वे में देख सकते हो गाइस। ये पूरे एक्सेल सीट चाहिए तो आप कमेंट में अपना मेल आईडी देना, आपको मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगा ये एक्सेल सीट। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और समरोस डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि हमारे डूअर क्वांटिटी के बारे में हुए गए। आपको डूअर और विंडो शेड्यूल मिलेगा क्या इस ड्राइंग में? ओके, जिसे आपको हर एक डायमेंशन, आपको डूअर शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा, उसकी फ्रेम, उसका मेन डूअर कितने हो आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा, जो कि हमारे हाई राइज बिल्डिंग में हमारे टोटल फ्लैट से गाइज, टोटल हमारे 2 BHK फ्लैट से, वो हमारे टोटल फ्लैट से 65 1 BHK और 2 BHK के लिए। ओके, 1 BHK और 2 BHK के लिए टोटल 65 फ्लैट है। इसके लिए आपको मेन डोर हो गया 65। ओके, तो इसका जो भी रेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज साइट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें आपको आने चाहिए गाइस, जो कि आपको मेन डोर फ्रेम टोटल फ्लैट जितने उतने लगेंगे। आपको बेडरूम फ्रेम लगेगी गाइस 108, उसके बाद आपको बेडरूम के डोर फ्रेम है, फ्रेम और जो भी डोर है उसका अलग अलग रहता है गाइस, फ्रेम अलग होती है और डोर अलग होता है। ओके, उसके बाद बाथरूम और टेरेस के फ्लोर के, उसका टोटल होता है 195। उसके जो साइजेस है गाइस, 3.33 मीटर बाय 7.5 फीट, यहाँ पर फीट में है गाइस, 3 फीट बाय 7 फीट, 7.33 फीट बाय। ये एक्चुअल जो साइट वर्किंग होता है, आपको वहाँ पर विंडोज़ और डोर का शेड्यूल जो भी साइज है वहाँ एक्चुअल साइट पे आपको मेजर करना पड़ेगा गाइज, रनिंग फीट में कितना होता है गाइज, तो आपको रनिंग फीट में इसका रेट देना पड़ेगा गाइज, जो कि 150, 120, 170 के आसपास होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइज, यहाँ पर डोर और फ्रेम के जो रेट है गाइज, यहाँ पर आपको जो भी लोकल एरिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र के ये रेट है गाइज। ओके, MH के लिए, आप अगर आप अलग स्टेट से, तो आपको ये रेट थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, और क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड है आपका। अगर क्वालिटी इसने बढ़ा दी तो आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसको रेट भी अच्छे देने पड़ेंगे गाइज। ओके, क्वालिटी के ऊपर भी ये रेट डिफेंड है गाइज। तो ये जो रेट से गाइज, रनिंग फिट अपना जो भी 3.3 फीट इंटू 7.4, इसका रनिंग फिट आ जाएगा 17.84। ओके, एज पर साइट आ जाएगा इसका 11.59, जो कि 65 नंबर से डूअर्स के, इसका इसने आपको मल्टीप्लाई किया तो आपको आ जाएगा 11.59 रनिंग फिट। तो इसका रेट है 150 वो आपको। तो गाइज, आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसी लगी? आपको ये जो विंडोज़ और डोर का फ्रेम और रेट शेड्यूल हो गाइज, यहाँ पर आपको अलग अलग रेट में अलग अलग चीज़ें मिलेगी गाइज। यहाँ पर आप विंडोज़ मेन डोर के फ्रेम देखोगे तो इसका जो रेट है गाइज 150 है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसका जो भी कोटेशन है या फिर जो भी रेट है एजेंसी आपको कम कर सकती है गाइज, वो आपके ऊपर होता है गाइज, बिल्डर के ऊपर होता है कि कौन सा वर्क किस कंपनी को देना है गाइज, किस कॉन्ट्रेक्टर को कौन सा वर्क देना है। बेडरूम फ्रेम का रेट है गाइज रनिंग फेयर फिट में 120, मेन डोर का रेट है 170, उसके बाद बेडरूम डोर का रेट है 165, बाथरूम और टेरेस डोर का रेट है 190, और डोर मोल्डिंग का रेट है गाइज 600। यानी कि आप अगर मोल्डिंग करते हो इसमें ग्रेनाइट में, तो आपको अलग से रेट देना पड़ेगा गाइज 151। टोटल रनिंग फिट आता है 16.18, टोटल रनिंग फिट इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा टोटल एज पर बिल ऑफ क्वांटिटीज, तो ये रेट आपको देने हैं गाइज, ये पूरा एस्टिमेट है गाइज। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा है जो एजेंसी है हमारी, यहाँ पर लिखा है टोटल क्वांटिटी एज पर साइट क्वांटिटी यानी एज पर बिल क्वांटिटी। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है गाइज, यहाँ पर 18.90, यहाँ पर 50 का डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर कम क्वांटिटी आई है बिलिंग में, यहाँ पर ज़्यादा आई है, ये सब क्यों गाइज? यहाँ पर जो भी रेट्स है वो तो आपको रनिंग फिट में ही देने हैं। ओके, जिसकी क्वांटिटी आप इजीली
देख सकते हो यहाँ पर ए यूनिट से ए रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी, और रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपको इनटू ए इसका पूरा एस्टिमेट मिल जाएगा गाइस इजी वे में। बट आपको ए बिल क्वांटिटी जो भी आपका फाइनल डिज़ाइन है उसके ऊपर वो बिल क्वांटिटी बनाइए गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग फैक्ट थी आज के वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। ओके, बहुत ही यूनिक चैनल है गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी गाइस। आप अपना घर डिज़ाइन कर सकते हो G+2 स्टोरी बिल्डिंग, या फिर G+2 स्टोरी हमारा जो भी बंगलोज है वो आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइस हमारे वीडियोस देख करके। ओके, सब डिज़ाइन ड्राइंग प्लम्बिंग डिटेल्स, उसके बाद इस्टीमेशन इलेक्ट्रिकल मटेरियल, उसके बारे में हमने बेसिक से लेके एडवांस से एडवांस तक आपने हर एक चीज़ डिस्कस की है गाइस। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हर एक वीडियोस। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन प्लानिंग शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी जो भी कांटेक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइस। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, RCC डिटेलिंग, या फिर बीम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयर केस के डिटेलिंग चाहिए, इसका RCC वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टिमेट के ऊपर और RCC डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।